हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्याज के पकौड़े बनाने वाले हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो हमने सोचा कि पकौड़े बना रहे तो आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कर दें। तो हमने ये चार प्याज लिए, हरी मिर्च ली है जो बारीक काट के रखी है, चार हरी मिर्चें, चावल का आटा है और ये बेसन 150 से 200 ग्राम बेसन है और चावल का आटा हम आपको बताएंगे कितना ऐड करना है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप पोहे को मिक्सी में पीस के उसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या मार्केट जैसे पकौड़े बनेंगे, एकदम क्रिस्पी और ऑयल भी कम लगता है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम तो प्याज को छील के रखा है उसको काट लेते हैं। बहुत लोग कांदा पकौड़े भी बोलते हैं, कोई ऑनियन पकौड़े, आपको जो सही लगे नाम आप देख लो। इसको हमें बहुत बारीक स्लाइस में कट करना है। ऐसे स्लाइस में हम कट कर लेते हैं इसको। आप चाहे कितनी भी रेसिपी खा लो, बारिश में चाय और पकौड़े का मज़ा अलग ही है, वो सबसे अच्छा लगता है। हमने ऑनियन को सारा कट कर लिया है और इसको ऐसे हल्के से मैश करेंगे ना तो ये सारी अपने आप ही खुल जाएगी प्याज, तो इसके पतले पतले स्लाइसेस ऐसे निकल आएंगे। अब बेसन लेते हैं, बेसन लेते हैं हम। अब इसमें हम 6 से 7 चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे और आपको चावल का आटा नहीं मिलता है अगर तो आप घर में भी पीस सकते हो, नहीं तो पोहे से भी बना सकते हो, दोनों चीज यूज कर सकते हो, आपको जो इजी लगे। अब इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, पकौड़े में अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो अजवाइन ज़रूर डालें आप। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, लाल मिर्च, पकौड़े चटपटे अच्छे लगते हैं तो आप नमक मिर्च अपने हिसाब से ऐड करें और हरी मिर्च भी। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम प्याज को ऐड करेंगे, अच्छे से मिला लिया प्याज में बेसन को। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसका पतला बैटर नहीं रखना है, नहीं तो क्या पकौड़े फैल जाते हैं, बनने में नहीं आते, इसलिए थोड़ा इसका थिक बैटर रखना है। ये हो गया, ये पानी थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए इसको रेडी कर लेते हैं। बैटर रेडी हो गया है, हमें इसको उतना ही गाढ़ा रखना है क्योंकि 5 मिनट इसको हम रेस्ट करने छोड़ेंगे, जो नमक डाला वो भी पानी छोड़ता है, तो बैटर इतना ही थिक रखना है। ये हम स्पून से गिरा रहे हैं तो आराम से गिर रहा है, इतना ही थिक बैटर रखना है। जब तक हम गैस पर कढ़ाई में ऑयल गर्म करने रखते हैं, तेल गरम हो गया है, अब हम इसको पकौड़े को इसमें डालेंगे, आराम से डालें क्योंकि तेल बहुत गरम है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करने ना भूलें और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखा करें। आप एक बार इस तरीके से पकौड़े जरूर बनाएं। कढ़ाई में जितने पकौड़े आए उतने ही डालना है। अभी एक साइड से पकौड़े सिक गए थे तो हमने उनको पलट दिया है। और ऐसे ही आपको मिक्स पकौड़े, आलू प्याज के जो पकौड़े बनाना है वो ऐसी बैटर से आप बना सकते हैं, सेम ऐसी प्रोसेस है उसकी भी, रेसिपी लेके आते हैं वो बहुत इजी रेसिपी लेके आते हैं जिससे आपको बनाने में आसानी रहे। रेसिपी बनाते हैं घर की चीज़ों से आप बना सकते हैं आसानी से, ऐसी रेसिपी लेके आते हैं तो आप उन रेसिपी को ज़रूर देखा करें। अब पकौड़े एक साइड से सिक चुके हैं, दूसरे साइड से भी थोड़े सिक गए हैं, अब इनको हम पलट लेते हैं। पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं।
पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं। अब इनके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। पकौड़े और चाय बन के रेडी है, अब इसके ऊपर पकौड़े के ऊपर हम चाट मसाला ऐड करेंगे। और चाय भी हमने मसाले वाली बनाई है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। और पकौड़े ऐसा नहीं कि बारिश हो तभी खा सकते हैं, आपका जब मन करे तब पकौड़े बना के खा सकते हैं। मगर 10 मिनट में ये पकौड़े बने हैं, आप इंजॉय करो चाय और पकौड़े को।